वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लेके आप संगतां दे सन्मुख हाजिर होया हाँ। अज 21 मई धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन नाल संबंधित है। लाहौर का रहने वाला काजी रुस्तम खान, इन्हें एक हिंदू नूं मार के उनकी घरवाली नाल जबरदस्ती विआह करवा लिया। जदों विआह करवाया तो उस औरत दे नाल उनकी बच्ची जिंदा नाम विद्वानां ने कुरमा भी लिखा आ, वो आई इन्दे घरे रह के वड्डी जवान हुई। काजी रुस्तम खान दी अपनी धी प्रति ही जिहड़ी देखणी जां जिहड़ी भावना है वह बदल गई, वह कुकरम परी हो गई। बहुत ज़्यादा सुंदर सी, उन्हूं सारे प्यार नाल कहिंदे भी कौला सी। काजी रुस्तम खान ने यह सोचा भी मैं अपनी बेटी नूं भी अपनी हरम विच लै लवां, कहिण तों भाव मैं उन्दे नाल अपना विआह करवा लवां। तो उस औरत ने जिहड़ी इहदी घरवाली सी, हिंदू औरत सी, उन्हें विरोध किया भी इवें नहीं होना चाहिए। वह सूफी मियाँ मीर जी कोल जांदे सन, उन्होंने बेनती की भी ये काजी रुस्तम खान साडे नाल आ वधी की करना चाहुंदा, मेरी बेटी नूं अपनी हरम विच लैणा चाहुंदा। सूफी मियाँ मीर धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं मिलदे ने, साहब जी नूं बेनती करदे ने कि इस तरह एक हिंदुआं दी बेटी है, अज कल्ह वह मुसलमानां दे घरे रहिंदी है, अज कल मुसलमान हुंदा एक बाप आ, तो वह चाहता कि मैं अपनी बेटी नूं अपने हरम विच लैणा आ। उन्हें जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नाल गल की, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा भी उन्हूं अमृतसर साहब साढ़े कोल भेज दवो, बाद विच गुरु नानक साहब का घर उहदी रखवाली करेगा। बिल्कुल इस तरीके नाल होया, काजी रुस्तम खान तो लोक लका के सूफी मियाँ मीर जी की सहायता दे नाल वो बीबी कौला अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह कोल आउंदी है। बाणी नाल इन्ना क ज़्यादा उनका लगाव बनता, प्रेम बनता है कि सतगुरां दे घरे उनकी प्रवानता होंदी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह उन्हें अपने चरणा कमलों का प्यार बख्शिश करके नवाजते हैं। 1621 दे विच ये गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल आउंदी है। तकरीबन 1628 दे विच बीबी कौला जवानी उम्र दे विच ही चढ़ाई कर जाती है। सतगुरु कृपा करन, रहमत करन, ये गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का कार आ। भावें हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जेडे लोग अपनिया धियां दे नहीं भी बनते, गुरु के सिख साढ़े गुरु साहब, गुरु का खालसा, ये उन्हां दी इज्जत दे राखे जरूर बनते हैं। सतगुरु कृपा करन, रहमत करन। अज दे दिन विद्वान पुरख लिखते हैं कि बीबी कौला गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के कोल पहुँचे सन, सतगुरु तरस करन। ये साडा माण मत्था इतिहास, भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।